ऐसे करो यार, सुबह सुबह सुखाए, सुबह सुबह तो नहीं, पीछे टाइम देख रहे हो, 6 बज रहे हैं। मैं 4 बजे से उठा हुआ, मेरी 4 बजे से हालत यही हुई है कि सर में ऐसा शदीद दर्द है, ऐसा शदीद दर्द है मैं बता नहीं सकते। ये सब रगे वगे सब दुख रही हैं सर की। और मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि सही हो जाए, सही हो जाए। और आज वैसे भी संडे था, मेरे ऑफिस का ऑफ था, लेकिन फालूदा हो गया, बढ़ गया ऑफिस का ऑफ भी। ये सर में इतना दर्द हो रहा है भाई, मैं कुछ नहीं दे सकता है। जल्दी सर उठा। तो बाकी है, ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमारे है घर में दावत है न्यूली मैरिड कपल की, लेकिन उनके साथ साथ आ रहे हैं हमारे कौन, शुमला जी और अदनान भाई, मतलब उनके बहन भाई भी, पता नहीं कौन आया। तो घर की सफाइयाँ चल रही हैं, पंखे शंखे साफ हो रहे हैं, खाना वाना बन रहा है। चेक कर लो आप घर की हालत, वो देखो, ओह माय गॉड। तो हालत घर की ख़राब हुई हुई है, सर की ख़राब हुई है। मैं तो टोटली रेस्ट कर रहा हूँ, जब फ्रेश वगैरह होऊंगा तो आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। बाकी इस वाले व्लॉग को मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। अभी अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ वापस। इतने दिन से मैं कह रही हूँ पंखे साफ कर लो, आज इतना करना था। लेकिन खाने में डिशेस बहुत ज्यादा हैं, तो डिशेस गिनने दें क्या, हो गया। तो डिशेस हम आपको रात में दिखाएंगे क्या क्या, क्योंकि मुझे अभी खुद डिशेस नहीं पता है। अम्मी कम कम क्यों खाएं, अब कीमा बनाया दोपहर में खा लिया, ऐसे बच्चे मारे कि नया खाना शाम का कढ़ाई को छोड़ दिया। अब बना था तो टेस्टिंग भी तो करनी थी ना। बात तो सही है। और भी देखेंगे क्या अच्छी अच्छी चीजें वो खाएंगे। खीरे हैं, गाजर हैं, मूली है, टमाटर है, ये खाना लोबिया है, और तुम्हारे लिए बनाया मैंने। वैसे नो डाउट अम्मी ने सैलेड बहुत जबरदस्त बनाई है, 5 स्टार से कम नहीं मेरी। Oh my God! कुछ करती नहीं हूँ, पर जब करती हूँ तो ऐसा करती हूँ सब उंगलियाँ चट के रह जाते। मम्मी मेरे ना में दर्द हो रहा है यार, बहुत नजर लग गई मेरी बच्ची को, नजर लग गई, इतनी अच्छी अच्छी तैयार होगी शादी में। गजब बेइज्जती है। अम्मी मैं हिल भी नहीं रहा, मेरा सर बहुत कोई नजर नहीं लगेगी मुझे, कोई नहीं नजर। अरे मेरी बच्ची ऐसे शरारा पहन के क्या लग रही थी, वो तो कब पहना था, अब लगेगी नजर। वाह, चिपकी हुई थी पीछे से, आगे आ गई। घर की हालत निसार की हुई है इन लोगों ने, भी पड़ा रहेगा हमारा घर। हाँ, वैसे मैं कब से कह रही हूँ बेटा ये साफ कर लो, ये साफ कर लो। दीवारों पे भी इसने सर्फ लगा दिया, भाई तू क्या कर रही है यार। बस ये लोग तो काम कर रहे हैं, मैं जाके लेट रहा हूँ, जब काम वाम हो जाएगा फिर आके उठेंगे देखेंगे अभी तो क्या चल रहा है। A few moments later, भाई मैं अभी तक रेडी तो नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी तबीयत सेट हुई है, तो मैंने कहा किचन के सूरत हाल देखते हैं, किचन में क्या चल रहा है, क्या क्या सूरत हाल चल रही है। मम्मी खाने की कुछ नज़र क्यों नहीं आ रहा, कुछ रखा हुआ है, क्या कर रही हैं। क्यों अम्मी, ये तो ज़रदा बना रही है, इसके चावल के कलर से पहले दूर से रखे हुए मुझे गाजर लग रही थी, लेकिन दिस इज़ चावल, यहाँ चावल भिगोए हुए हैं। अम्मी खाना कुछ अच्छा है अम्मी। और ये देखो भाई, मम्मी कुछ इंग्लिश भी बनाने वाली हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कहाँ चला जाऊँ, तो बड़ा डेक्चर तो मुझे नज़र ही नहीं आया, इसलिए क्या है भाई, समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या चल रहा है घर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाकी यार मैं अभी रेडी हो जाता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं पहनूँ क्या, क्योंकि आज बड़ा सुस्ती बड़ा मौसम है यार, तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं पहन के आ रहा हूँ। बाकी ये तो नहीं पहन रहा मैं, ये मैंने हैंगर करने के लिए शर्ट निकाली हुई थी, तो मैंने ये तीनों में डाल लिया अपने। बड़ी अजीब सी भाई नींद ही नींद आ रही है, तो फटाफट से अब रेडी होकर आपसे मिलता हूँ यार, फटाफट से 2 सेकंड लगाता हूँ, बिकॉज 8 तो अभी बजी गए और 8:30 तक हमारे मेहमान आने वाले हैं, तो 2 सेकंड रुको, मैं 2 सेकंड में तैयार होकर आता हूँ। अभी अभी मैं कपड़े निकाल रहा था, मैंने सुना मम्मी किसी से रेसिपी पूछ रही है, वहाँ चलते हैं। अभी तो मुझे कह रहा था आपने
चीनी चावल है, पहले कुछ करना पड़ेगा। पहले तो मुझे बात बताओ, मैंने चावल चीनी सब मिला दी है, चावल चीनी मैंने सब मिला दी, तह लगा दी, सही है? अब ये जांच कर लूंगी। ओ भाई जाकर चीनी पानी छोड़े। हाँ हाँ समझ गई समझ अम्मी आप हमें हमारे ससुराल के लिए क्या सिखाएंगी? अरे मैं भूल गई, मैं पिछला का बहुत छबरा क्या गिरा ये? दिखाएं तो शक्ल तो दिखाएं। दम पे है अभी, रुक जाओ। अच्छा क्या बताया उन्होंने? उन्होंने भाई वो मैंने पहले जैसे बनाया तो वैसे ही बताया। आपको याद नहीं आ रहा था? भाई सीन ये मामा के थोड़ा याददाश्त का मसला है, वो चीज़ें भूल जाती हैं। हाँ तो उनको सब है लेकिन उनका थोड़ा सा याददाश्त प्रॉब्लम है, उनको वो भूल जाती हैं। अम्मी ऐसा है ना, मेमोरी लॉस्ट है आपकी। गजनी नहीं मतलब कुछ चीज़ें आप भूल जाती हैं आपका। ऐसे बच्चे हैं ना, मैं सभी भूल जाऊंगी। अम्मी बस कर दें, अमन जैसे बच्चे होते तो ओ भाई ये तो वाकई मेमोरी लॉस्ट वाला मामला हो गया अम्मी के साथ। नहीं झूठ बोल रहा है। तुम कितने पाँव बना रही हो? अम्मी मेरे पाँव नहीं है, ये पहले से बने हुए हैं। हमारे फर्श में पाँव भी नहीं बनना चाहिए। अब देख लो सफाई की आलम कितनी है। अम्मी का बस चले हमारे पाँव हाथ सब बांध के बिठा दें, अलमारी में बंद कर दें जिस दिन किसी को आना हो, फिर निकालें जब मेहमानों की एंट्री हो जाए। ऐसा ही है, कुछ बोले बता दें क्या कैसी करेंगे हमारे साथ? तो आप बात तो सही है। अब मैं फाइनली अगर मामा ने कोई कांड नहीं किया तो मैं तैयार होके मिलता हूँ, लेकिन फिर मामा अगर ऐसे काम करेंगी तो फिर दिखाना तो लाजमी है ना यार। हाँ, मेरे वाला डालना तो लाजमी है, अम्मी हमारे ब्लॉगर देखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ ये मेरे अगर 100K होगा तो मैंने सोचा अम्मी आपको गंजा करने का, जैसे डकी भाई गंजा होगा सब मम्मी को गंजा करेंगे। अम्मी रख लूँ ऐसी कोई शर्त? मुझे कैंसर हो जाएगा। अबे भाई यार, अबे यार 100K करो, 100K। मैं इस बारे में जरूर अपना दिमाग लगाता हूँ और बाकी आप लोग कमेंट में बता दोगे क्या करना है। बाकी अब रेडी होके मिलते हैं। 2000 years later. Oh my god. अम्मी क्या कर रही है यार आप? ये क्या हो रहा है? वही काम करूंगा, ये हमारा ही घर है। अम्मी ने बहुत मेहनत कर ली है, खतरनाक। और मैं भी रेडी हो गया, बाकी मैं उसको दिखाता हूँ मैं रेडी कैसा हूँ, क्योंकि मुझे विंटर्स ड्रेसिंग बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब आउटफिट जो विंटर्स के होते हैं ना, क्लासी लुक, क्लासी लगता है। और वही छपड़न बने हुए ये लोग। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हट जाओ, काटो पीछे जाओ। कैसी बात बहन है यार, बेटा सही से काटो, समझ रहे हो? यही खाई जा रही। बाकी अम्मी ने क्या बनाया मैं दिखाता हूँ। भाई ये देखो, एक चाट ये और वो रशियन सैलेड चाट। ओए होए अम्मी, मेरा तो दिल उसी पे ही अटका हुआ है यार, मेरा दिल जा रहा है। मतलब आज खाना हो गया है जबरदस्त। मतलब पीछे ये चलाए हुए हैं जब भी मैं काटा जा रहा हूँ, क्योंकि OST है इश्क मुर्शद। इश्क मुर्शद नाम है ना गाने का। बाकी मैं आपको अपना पूरा फुल लुक दिखा दूँगा मैं कैसा लग रहा हूँ। तो भाई मेरा तो फुल लुक आप देख चुके हो, इजी पीजी, इन लोगों की तरह नहीं। ना, मैं यही कपड़े पहनूंगी। वाह भाई वाह, बड़े तमीज से रखे जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ बहुत अरसे बाद किसी की दावत हो रही है, वरना खाला नाना नानी मामू आते हैं तो वो लोग तो घर के लोग हैं।
तो बाहर से भाभी आई है, जब भी इतनी स्पेशलिटी मामा कर रही है, क्यों क्या कहती हो? वरना अब ऐसी बात नहीं है, मतलब बंदे लेकिन इतनी प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाती मामा, और फटाफट टक 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 बनाया मुंह के अंदर, ये होता है। ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। ये कभी तुमने ऐसे बना के दिए? दो ये दो रह गई है। बनाई 30 से पहले क्यों मम्मी ऐसी है ना? और बड़ा वाला वो कहाँ गया? दस्तखान लगेगा यार, फिर मैं दिखाता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हैं, फेवरेट। रोटी खोल दो शफीक अहमद। काम करो, काम चलो। ये सब ना पहले के काम होते। शर्माल इसमें रख दो। अरे कौन आ गया इस टाइम पे? भाई मैं नहीं हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको। बस सही से काम करो यार, तुम सही से, तुम भी काम करो, फारे क्यों घूम रही हो? आ जाओ भाई, सारे खाना खुल गया। भाई दावत तो खत्म हो गई, और व्लॉग तो मैंने दावत के बीच में बनाया ही नहीं, मतलब खाने के बाद तो मैं सब कुछ भूल गया भाई। सीन सारा सर ये है कि जिन लोगों की दावत थी, मतलब न्यूली वेड कपिल की हम लोगों ने दावत की थी, तो यार वो लोग सारे पब्लिकली इन नहीं है, तो व्लॉग बनाने का मज़ा नहीं आता। तो मैंने आपको दावत से पहले की तैयारी दिखा दी, दावत का जब खाना लगा जब दिखा दी, और अब पीछे क्या हो रहा है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। बाकी अगर उनके साथ हमारी रील्स वगैरह देखनी हो तो आप इंस्टा और टिकटॉक पे देख सकते हो। चीज़ें ओवरऑल सिमट ही चुकी हैं, बर्तन भी धुल गया है सब, पतीली जहाँ खाने वाने बने थे, गिलास विलास भाई सब बढ़ गया है। प्रोग्राम शुरू तो हुआ था और ख़त्म उससे ज़्यादा जल्दी हो गया है। तो हमारी मामा को बड़ी आदत है कि पहले सब चीज़ें सिमट जाएँ घर की। ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, ये हम कल दोपहर में खाएंगे, रात में हम नहीं खा रहे हैं। और यहाँ क्या हो रहा है, माशाल्लाह तुम लोगों का दूसरा सेशन लग रहा है यार। लिजबन ही आई, लिजबन ने खाना खाना था, लिजबन ही खा रही है। और भाई खाना क्या लजीज जमील बना था भाई, क्या लजीज बना था खाना। रशियन सैलड और एक अम्मी ने चाट बनाई थी, वो बहुत क्लासी बनी थी, बहुत क्लासी। तो आज की दावत हमारी बहुत अच्छी रही यार। अगर शादी की सीरीज़ नहीं देखी जिस लोगों ने अभी तक, कि अभी न्यूली वेड कपिल कहाँ से आ गए एकदम से, तो फटाफट आ गया यार, पीछे की सीरीज़ देख सकते हो, चेक कर सकते हो, बहुत यार पूरी की फुल सीरीज़ चली हुई शादी की। सो भाई इस वाले ब्लॉग को तो फिलहाल अभी लाइक और कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना, और कमरे में अगर ब्लू लाइट देख रहे हो तो ये कमरा भी डिकोर किया हुआ, उसका भी व्लॉग है भाई, तो वो जाके भी देखो लाजमी। सो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कर देना यार। हमारे 2K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं, तो उसको भी सेलिब्रेट करेंगे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। बाकी अल्लाह हाफिज़।